अनूपपुर के खोतमा में मंत्री दिलीप जायसवाल ने करीब 15 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शुभारंभ किया है। उन्होंने अटल नगर बस सेवा की 2 बसों और 15 पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई है। वहीं इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों की बेहतर सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर जो भी न्यूनतम से न्यूनतम होगा बच्चों के लिए, उस आधार पर उनको सेवाएं देंगे। बच्चों को ही नहीं, पूरे नगर को, सभी लोगों के लिए रियायत दर पर, क्योंकि देखिए बस चल रही है, सेवाएं देना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, परंतु उसका कुछ ना कुछ शुल्क भी लिया जाए, क्योंकि उसमें डीजल का खर्च है, ड्राइवर का खर्च है, बस का मेंटेनेंस का खर्च है। हमको उससे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इन खर्चों का जो भार है नगर पालिका पर ना आए, कम से कम वो जनता से प्राप्त हो, उसके लिए जितना कम से कम होगा उस आधार पर शुल्क लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से कहा है सीमो व नगर परिषद को कि आप जितना कम से कम हो सके उतने कम में ये सेवा प्रारंभ करेंगे।